नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, मराठी मूवी हर हर महादेव ने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया और आज ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर सकती है, इसके बारे में आज का वीडियो है। दरअसल दोस्तों, हर हर महादेव एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग सुपर्ब मूवी है, बहुत अच्छी फिल्म है, हमारे इतिहास को दिखाती है। और जिस प्रकार से ये फिल्म बनाई है, अभिजीत देशपांडे ने जिस प्रकार से फिल्म को डायरेक्ट किया है, और दोस्तों सुबोध भावे तथा शरद केलकर ने जिस प्रकार से इस फिल्म में अपनी पावर पैक्ड परफॉर्मेंस दी है, वो माइंड ब्लोइंग सुपर मूवी बनाई है। दोस्तों, चाहे आप फिल्म की कॉस्ट्यूम देख लीजिए, कलाकारों का गेटअप देख लीजिए, सिनेमाटोग्राफी देख लीजिए, विजुअल्स देख लीजिए, वीएफएक्स देख लीजिए, डायलॉग्स देख लीजिए, या दोस्तों फिल्म का स्क्रीन प्ले देख लीजिए, सभी कुछ बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही माइंड ब्लोइंग। कई सीन्स आपको गूजबम्प्स देते हैं और दोस्तों कई सीन ऐसे जो आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं, स्पेशली रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज तथा शरद केलकर जो बाजी प्रभु देश पांडे के रोल में है, उनका जब जब आमना सामना होता है, जब जब उनके बीच की डायलॉग डिलीवरी होती है, तो दोनों कलाकारों की जो एक्टिंग है, जो लाजवाब एक्टिंग स्किल है, और जिस प्रकार से वे डायलॉग डिलीवरी करते हैं, जिस प्रकार से उनके हाव भाव चेहरे के एक्सप्रेशन उभर कर सामने आते हैं, कमाल के है। और दोस्तों एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, बहुत ही जबरदस्त है। तो दोस्तों, ये फिल्म कमाल की है, जबरदस्त मूवी है, हमारी सभ्यता संस्कृति पर आधारित है। ऐसी फिल्म को डेफिनेटली हम सभी को सपोर्ट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि ऐसी और फिल्में बनाई जा सके। दोस्तों, इस फिल्म को पूरे देश भर में रिलीज किया गया है, ना केवल हिंदी में डब करके रिलीज किया गया, बाकी देश की अन्य भाषाओं में भी इस फिल्म को रिलीज किया गया है। हालांकि दोस्तों, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट ठीक तरीके से शायद नहीं किया गया है, फिल्म का उतना ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया गया है, जिसके कारण दोस्तों हिंदी बेल्ट मतलब कि महाराष्ट्र से बाहर से फिल्म को ज्यादा कलेक्शन आ नहीं रहे, ज्यादा रिपोर्ट्स वहां से नहीं आ रही है, ज्यादातर जो कलेक्शन आ रहे हैं वो महाराष्ट्र से ही देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, पहले दिन फिल्म को इतने कम शोज और नंबर ऑफ स्क्रीन काफी कम मिलने के बावजूद, दोस्तों यहां मैं बता दूं, क्योंकि हर हर महादेव के साथ थैंक गॉड तथा राम सेतु जैसी दो बड़ी फिल्में भी रिलीज हुई थी, तो ज्यादातर स्क्रीन तथा शोज उन फिल्मों को मिले हैं, इस कारण यहाँ पर इस फिल्म को ज्यादा शोज और स्क्रीन नहीं मिले हैं। इसके बावजूद दोस्तों, फिल्म ने पहले दिन करीब 2 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है, जो काफी अच्छा कहा जा सकता है। आपको पता है कि आजकल कई बड़ी बड़ी फिल्मों को 1 करोड़ की भी एडवांस बुकिंग, 1 करोड़ की भी पहले दिन ओपनिंग नहीं मिल पाती है, तो उस स्थिति को देखते हुए अगर 2 करोड़ का कलेक्शन हर हर महादेव ने अपने पहले दिन किया है, तो बहुत ही अच्छी बात कही जा सकती है। और दोस्तों, आज भी ये फिल्म जबरदस्त कलेक्शन करने वाली है, करीब 1.5 करोड़ रुपए से कम का कलेक्शन आज भी फिल्म का नहीं आने वाला है, अभी तक ट्रेड का प्रेडिक्शन यही आ रहा है, तो 2 दिनों का फिल्म का कलेक्शन करीब 3.5 करोड़ रुपए हो जाएगा। दोस्तों, महाराष्ट्र के कई थिएटर्स हाउसफुल चल रहे हैं, कई जगह जबरदस्त थिएटर ऑक्यूपेंसी फिल्म की देखी गई है, तो इस फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ चूंकि बहुत अच्छा मिला है, क्रिटिक्स की रेटिंग्स बहुत अच्छी मिली है, 4 to 4.5 स्टार रेटिंग फिल्म को मिली है, तो ये फिल्म डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस पर कमाल करने वाली है। और मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, फिर आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि इस फिल्म को आप देखिए, बहुत ही बेहतरीन मूवी है, और ऐसी फिल्मों को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति, हमारे इतिहास के बारे में फिल्म है, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में फिल्म है, तो आप ये फिल्म जरूर देखने जाइएगा। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, हर हर महादेव।